नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनी हेल्थ कैप्सूल में। दोस्तों, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसी विषय पे हम मिलने वाले हैं ललित मोहन शर्मा जी से, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं ललित मोहन शर्मा जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित मोहन शर्मा और आपका स्वागत करता हूँ सनी हेल्थ कैप्सूल में। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है। ये भूखा रहना 16 घंटे 15 घंटे 18 घंटे, ये जब से पाश्चात्य संस्कृति आ गई, बाहर के लोग आ गए, कहते इससे भूखे रहो, बड़ा शरीर में जान आती है। भूखे रहने से जान आती है शरीर में? आती है सर, बिल्कुल जान आती है। और ये हमारे स्क्रिप्चर्स में पहले से लिखा हुआ है कि हम लोग व्रत लेते थे, उपासना करते थे, व्रत विधि, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है, सबसे पहले आपका इंसुलिन लेवल ब्लड में ना डाउन होने लग जाता है। और ये मेरे लिए, मतलब मेरे अध्ययन से, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इंसुलिन लेवल डाउन हो जाएगा बॉडी में तो फैट घटेगा, सड़ी हुई चर्बी बाहर आएगी आपकी। दूसरा आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, ये ड्रामेटिकली इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है, इतना ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देने लग जाता है। आप कोई काम करो, कोई व्यायाम करो, आपको ऑटोमेटिकली उसमें रिजल्ट मिलने लग जाता है। तीसरा, आपका शरीर का एक ही काम नहीं है सर कि खाना 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 खाना, उसका एक काम और है, अपने आप को इंटरनल भी ठीक रखना। जो आप वेस्टेज घुसेड़ देते हैं या आप डाल लेते हैं शरीर के अंदर, वो आते एक दिन में क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए बार बार बोला जाता है कि एटलीस्ट महीने में 4 बार या 6 बार इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, ताकि छोटी आँत भी साफ़ हो जाए, बड़ी आँत भी साफ़ हो जाए। और ये जो लीवर में जो हमारे टॉक्सिस जा रहे हैं आँतों के थ्रू, पहले मुंह के थ्रू, मुंह के बाद छोटी आँत, फिर बड़ी आँत, और लीवर में जो जा रहा है टॉक्सिस, और लीवर क्या करता है, मजबूरन उसको हमारी कोशिकाओं, हमारे सेल्स में डालता है। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग रखोगे तो अपने सेल ना अपने आप रिपेयर करने लग जाता है, और वेस्टेज ऑफ सेल्स को बाहर फेंक देता है। और चौथा, मुझे जो लगता है, आपका शरीर, आपके शरीर की त्वचा, आपका बोलने का तरीका, आपकी सब चीज़, एक आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। आपको एक भूखा रहने की ना एक प्रक्रिया भी है, जो आदमी थोड़ा सा भूखा रहेगा उसको सृष्टि का ना समझ में आएगा कैसे चलेगी। और जिसने सोच ही लिया मुझे 24 घंटे खाना खाना है, वो क्या ही काम करेगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।